प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ मुझे मालूम है इंडिया में लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, हाँ मगर मैं यहाँ लंदन में एक जरूरी काम से आया हूँ। सर, एक तो आप दक्ष को गोली मारकर यहाँ से एकदम गायब हो गए, सर ऊपर से वो डीआईजी शमशेर सबको पूछ रहा है कि आपने अपने बेटे नकुल को क्यों नहीं पकड़ा। डॉक्टर प्रकाश, यू वांटेड द कैश अर्जेंटली। तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है दक्ष, तुम्हें मरना ही होगा दक्ष। समझने की कोशिश करो, मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं यहां क्यों आया। हाँ एक बार दुश्मन मिल जाए फिर बताऊंगा। सर मगर वो दुश्मन है कौन? सर कहीं वो नकुल की गैंग का कोई आदमी तो नहीं है? सर यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने दक्ष को गोली क्यों मारी और दक्ष और नकुल का क्या रिश्ता है। हेलो सिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर वेणुगोपाल आपकी सर्जरी में सहायता। यहाँ तो काफी सिक्योरिटी है लेकिन फिर भी छोड़ूंगा नहीं दक्ष को, दक्ष को मार के ही रहूंगा। मुझे ये आदमी ढूंढना है जो फोटो में है। जब तक ये आदमी मुझे नहीं मिलता मैं इंडिया वापस नहीं आऊंगा। इस आदमी का चेहरा ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, बस यही एक फोटो मिली है। अब क्या करूं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। सर वो लड़की ये फोटो इंटेलिजेंस ब्यूरो से लाई थी सर, मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की मगर वो कुछ बोली नहीं। सर जाते समय उसने बताया नहीं था आपको कि ये आदमी कौन है? नहीं मुझे मालूम नहीं ये कौन है मगर मैं इसे ढूंढ के ही छोड़ूंगा। ये आदमी बहुत खतरनाक है, यही है लीडर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, बहुत बड़ा टेररिस्ट है ये। अब देखता हूँ सिक्योरिटी वाले मुझे कैसे रोकते हैं। कहाँ जा रही है? नर्स और कहाँ जा सकती है? पेशेंट के पास। अरे मगर आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। क्यों? ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। अजीब बात करते हैं आप, मैं यहाँ पे नर्स हूँ और डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया है, इट्स एन इमरजेंसी। सर अगर आपको पता ही नहीं है कि ये आदमी है कौन तो फिर आप लंदन में पूछेंगे किसको? एक मिनट, मैं बस में हूँ, उतर के बात करता हूँ। अब मैं एक ऐसे आदमी से पूछने वाला हूँ जो खुद एक बड़ा अपराधी है। हाँ उसका नाम डिगेंडो है। हाँ इस डिगेंडो ने बहुत लोगों को इंग्लैंड में घुसाया है पीछे के दरवाजे से। ये डिगेंडो ही बता सकता है कि इस फोटो में जो आदमी है वो कौन है। देखिए अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सभी मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन प्लीज हरी आप अंदर जा सकते हैं मगर आपके साथ मिस्टर मोहन अंदर जाएंगे। थैंक यू सो मच, चलिए। अरे डॉक्टर कहाँ है? डिगेंडो स्मगलिंग करता है, लोगों की स्मगलिंग, कबूतरबाजी, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है ये, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ मुझे मालूम है ना, अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे, मैंने ही तो गिरफ्तार किया था उसे कई साल पहले। हाँ बाद में वो इंग्लैंड भाग गया। देखो तुम एक काम करो, चुपके से कहीं से सीआईडी में फोन करो और बताना नहीं तुम कहां से बोल रही हो, समझी? हेलो
देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लगता है मुंबई में बहुत कुछ होने वाला है, ने क्या वो मुझे पता नहीं, और उनसे कहो कि दक्ष पे अटैक हो सकता है, उसे कोई मारने की कोशिश करेगा, उसके चारों तरफ पहरा बढ़ा दो। हाँ चारों एंट्रीज ब्लॉक करो। ये क्या कर रही हो? रुक जा वरना गोली मारूंगा। उसका ड्रेस मतलब कोई भेज बदल के यहां पे आया था, मगर कौन? It's very difficult to hold on to the smile. Wow, nice catch. You look terrific. You look like a film star. Really? You remind me of an actor called Anthony Quinn. Acted in Zorba the Greek. Thank you very much. Dhanyavad. Hey, you're Indian. Hindustani hai. So, aapko kya laga main angrez hu? Nahi nahi, kisi bhi kone se aap angrez nahi dikhte. Yehi soch raha tha ki koi Eastern European ya Iranian honge. Anyway, nice talking to you. By the way, आप भी एक्टर ही दिखते हैं। Oh, really? हाँ, रजनीकांत। रजनीकांत? कम बाल वाला रजनीकांत। I can't believe it. अच्छा, आप मेरा एक काम करोगे? अरे आप रजनीकांत बोले तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम डिगेंडो को जानते हो? डिगेंडो? ये आदमी बहुत गड़बड़ दिखता है। डिगेंडो को कैसे जानते हैं तुम? ऐसे ही मतलब? या कैसे आया इंग्लैंड में? काम से आया। क्या काम से आया? बैकडोर से आया? पासपोर्ट है क्या? पासपोर्ट दिखाओ।
सब। अरे भाई साहब, आप ना, अरे मेरी बात तो, दिस मैन इज डेंजरस। अरे भाई साहब, पुलिस को बुलाओ, पुलिस, पुलिस, पुलिस। सर, वो नर्स तो भाग गई मगर अपनी पहचान छोड़ गई है। ये क्या है, नर्स के कपड़े? भेज बदल के शायद नकुल यहाँ। नकुल दक्ष को मारने के लिए? पहले एसीपी प्रद्युमन ने दक्ष पर गोली चलाई और अब उनका बेटा यहाँ आता है दक्ष की जान लेने के लिए। हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। एसीपी साहब और नकुल दोनों अचानक दक्ष की जान के दुश्मन कैसे बन गए? लेकिन मेरी समझ में बहुत कुछ आ रहा है। एक बार बेटा हाथ में आ जाए, बाप की असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकती हैं? हाँ, आप इंडिया से हैं, हम भी इंडिया से हैं, आपकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। कितना अच्छा लगा ये सुनकर, लगता है मेरा काम हो गया। अरे बताइए तो सही, बात क्या है? वो मुझे एक आदमी के बारे में पूछना है। कौन? उसका नाम है डिगेंडो। डिगेंडो, हमें तो लगा था आप शरीफ आदमी हैं। मैं शरीफ ही हूँ। What's happening? He is a dangerous man. Come on, let's go. ये बाप और बेटे दोनों मिलके दक्ष के जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नकुल ने उसे जहर देने की कोशिश की और एसीपी ने उसे गोली मार दी। ये दक्ष कुछ ऐसा सीक्रेट अपने सीने में दबा के सोया हुआ है जो ये दोनों ही नहीं चाहते कि सामने आए। सर, एसीपी प्रद्युमन के हाथों गोलियां बहुत कम चली हैं, लेकिन जब जब चली हैं बिना किसी कारण के नहीं चली हैं सर, और हर बार गोली ठीक निशाने पर लगी है। एक एसीपी ने अपने ऑफिसर को गोली मार दी है, जो सीआईडी में आज तक नहीं हुआ वो हो गया है। सर, अगर एसीपी प्रद्युमन को दक्ष को चांद से मारना ही होता तो वो गोली सीधा दिल पर मारते, दिल के पास नहीं। दक्ष मरा नहीं सर। हाँ सर। अरे अरे, तुम प्रद्युमन की वाह वाह क्यों कर रहे हो? मुझे लगा तुम उसे ढूंढ रहे हो गिरफ्तार करने के लिए। ढूंढ सकते हो उसे? ढूंढ सकता नहीं हूँ सर, ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है सर? एसीपी प्रद्युमन इस समय लंदन में। लंदन में है? मेरा शक सही निकला, मैंने एयरपोर्ट से पता लगा लिया था, वो लंदन वाली फ्लाइट से ही भागा है। इस खड़ूस को सब मालूम रहता है, न जाने कहां से अटका है। अरे दया, तुम अचानक उदास क्यों हो गए? मैं उदास नहीं सर। पृथ्वीराज, तुम्हें कैसे पता चला एसीपी लंदन में है? सर, ये खूबसूरत लड़की एसीपी प्रद्युमन की मदद कर रही है। I'm sorry दया, मैंने तुम्हें बताया नहीं। It's okay sir. लड़की मदद कर रही और हमें पता नहीं? हाँ सर, ये लड़की लगातार एसीपी प्रद्युमन के साथ फोन पर बातचीत कर रही है और थोड़ी थोड़ी देर में अपना फोन भी बदल रही है। लेकिन इस बार जब वो उनसे बात करेगी तब हम पता लगा लेंगे कि वो कहां से फोन कर रही है। मगर बात क्या कर रही है? पता नहीं सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो यहां की खबर उन तक जरूर पहुंचा। ये एसीपी तो बड़ा उस्ताद निकला, ये तो हमसे बहुत आगे है। ये लड़की कहीं नकुल के गैंग की तो नहीं है? हो सकता है सर, पर जो भी है जल्दी पकड़ी जाएगी। बेचारा एसीपी, उसे लगा लंदन में जाके छुप जाएगा। सर, वो एसीपी प्रद्युमन है, वो लंदन में छुपने के लिए नहीं बल्कि जरूर किसी काम से गए होंगे, और जहां तक मैं उन्हें जानता हूं वो तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। ऐसा कौन सा काम है जो हमें बिना बताए हो रहा है? ये सीआईडी है, कोई मजाक नहीं है।
मैं देखता हूँ कैसे करेगा काम। मैं अभी लंदन पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। This is your third drink. क्या चाहिए? कंपनी। क्यों, ज्यादा सेंटिमेंटल हो गया? हाँ। तो इतनी नहीं पीनी चाहिए थी ना, वो भी दिन में। बाद में बैठ के दारू को गाली दे रहे हो, मैं गम डुबा रहा हूँ ग्लास में। अरे इंग्लैंड में तो हर कोई गम डुबाने के लिए पीता है, तुम्हें किस बात का गम है? डिगेन दो। ठीक है, डिगेन दो। क्यों, निकल गई हो? डिगेंडू का नाम सुनते ही। तुम कौन? पागल। और पूछेगा भी कौन डिगेंडू के बारे में? पैसे देगा? कितने? 50 पाउंड। जब डिगेंडू से मिलेगा तो उसे बताना नहीं किसने बताया था। लिखो एड्रेस। और एक बात, मैं कभी दारू नहीं पीता। Go straight for 250 yards and then turn right. Hi, Digendo. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.